जनता के बीच खड़े होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं मास्क पहनने की शपथ ली। इस दौरान सारी दूरी का पालन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सायरन की आवाज सुनते ही सब अपनी जगह पर 2 मिनट के लिए रुक जाओ। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों में एक जागरूकता लाने के लिए आज मध्य प्रदेश में सुबह 11 बजे 2 मिनट का सायरन बजाया गया। इस दौरान 2 गज की दूरी का पालन करते हुए कोरोना संक्रमण रोकने और मास्क पहनने का संकल्प लिया गया। सीएम ने खुद राजधानी भोपाल में जनता के बीच खड़े नजर आए। दरअसल प्रदेश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है, जिसके बाद कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए और मास्क पहनने के लिए आज 11 बजे सुबह संकल्प लिया गया है। इस दौरान पूरे प्रदेश में 2 मिनट के लिए सायरन बजाया गया। जनता के बीच खड़े होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं मास्क पहनने की शपथ ली। इस दौरान सारी दूरी का पालन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सायरन की आवाज़ सुनते ही सब अपनी जगह पर 2 मिनट के लिए रुक जाओ। यह सुनिश्चित करें कि मास्क लगाना हमारी जिम्मेदारी है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, श्रद्धे सुखदेव, श्रद्धे राजगुरु, इनको अंग्रेजों ने आज ही फांसी के फंदे पर लटकाया था। उन्होंने भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। वो देश के लिए मरे, हम देश के लिए जिए। आज अमर शहीद हेमंत कालानी जी का भी जन्मदिन है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी जन्मदिन है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सभी प्रदेशवासियों से एक विनम्र अपील कर रहा हूं, कोरोना लगातार बढ़ रहा है। फिर से आज 1500 से ज्यादा पॉजिटिव प्रकरण आए हैं। भोपाल का आंकड़ा 400 को पार कर गया है। यह गंभीर संकट का संकेत है। हमको सावधान रहना होगा, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए। ये कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ, ये हवा में मौजूद है। और केवल अपने यहां नहीं, पड़ोसी राज्यों में तो क्या स्थिति है, एक एक दिन में 30-30, 35-35 हजार पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं। अगर हम नहीं संभले तो स्थिति भयावह हो जाएगी। और इसलिए आज जो सायरन का कार्यक्रम, 2 मिनट का कार्यक्रम, संकल्प का, ये कर्मकांड नहीं है मेरे बहनों और भाई। ये हमारा वज्र संकल्प, दृढ़ संकल्प, कोरोना को फिर हराएंगे। वायरस तो रहेगा लेकिन उससे हम संक्रमित ना हो, ये उपाय हमको करने। और ये उपाय करने तो सबसे प्रमुख साधन है सुरक्षा का मास्क। इस मास्क को मजाक ना मानिए। अगर नाक और मुंह आपने कवर कर लिया तो वायरस आपके नाक और मुंह के माध्यम से फेफड़े में प्रवेश नहीं कर सकता। 90% से ज्यादा सुरक्षित रहेंगे आप मास्क लगाने भर से। और इसलिए मैं हाथ जोड़ के सभी से कह रहा हूं, प्रदेशवासियों से कृपया करके लापरवाही मत बरतिए। कई लोग कहते हैं 1 साल से हमें तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो भैया आगे भी नहीं होने देना है। और जो मास्क नहीं पहनते उनसे मैं कह रहा हूं, केवल आप अपने लिए खतरा पैदा नहीं कर रहे, आप अपने बच्चों के लिए खतरा पैदा कर रहे, आप अपने परिवार के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। आप अगर दुकानदार है तो ग्राहकों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, समाज के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। और इसलिए केवल अपने लिए नहीं, बाकी को भी बचाना है भाई। टीकाकरण का अभियान जारी है, उसमें कसर नहीं छोड़ रहे हैं हम।
एक दिन में 3-3 लाख वैक्सीनेशन का काम होगा, लेकिन उसमें भी समय लगता है। और वैक्सीनेशन का मतलब यह नहीं कि अब कोरोना आएगा ही नहीं, और इसलिए आज पूरा प्रदेश 11 बजे 2 मिनट के लिए थमा, शाम को 7 बजे फिर 2 मिनट हम खड़े रहेंगे और मन में संकल्प लेंगे कि हम भी मास्क लगाएंगे, परिवार को भी मास्क लगवाएंगे, जो बिना मास्क का रहेगा उसको अकेला मुख्यमंत्री नहीं, आप भी टोकेंगे, आपको भी टोकना पड़ेगा कि भाई मास्क लगा। इससे प्रभावी उपाय कोरोना के संक्रमण को रोकने का भी हमारे पास नहीं है, और एक हफ्ता तक यह सायरन बजेगा लेकिन खड़ा केवल आज रहना है। एक हफ्ते दोनों टाइम सवेरे 11 बजे शाम को 7 बजे यह सायरन हमको यह बताएगा कि वायरस जिंदा है, कोरोना जिंदा है, सावधान, ये कहीं आपको ना जकड़ ले, आपको संक्रमित ना कर ले। 4,000 लोगों की जान गई है मध्य प्रदेश में, हम काहे के लिए लापरवाही बरते हैं? और मैं अकेला नहीं कर सकता, इसलिए मैं सड़क पर खड़ा हूं आज आपके बीच, संपूर्ण समाज को करना पड़ेगा। आज मैं सब भाई और बहनों से अपील कर रहा हूं, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, मेरे भाइयों, फिर से कोरोना को कंट्रोल करना है मध्य प्रदेश की धरती पर। मैं नहीं चाहता कि लॉकडाउन लगे, हम तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, गरीब की रोजी रोटी चली जाती है, दुकान व्यापार सब बंद, तो फिर चलेंगे कैसे? और इसलिए उस भयानक स्थिति की तरफ नहीं जाना है, इसलिए सावधान रहना है, और कोई रास्ता नहीं बचा तो फिर वही रास्ता है, हम नहीं जाना चाहते उस रास्ते। इसलिए संडे का लॉकडाउन न लगे, लेकिन बाकी दिन व्यापार चले, काम चले, कारखाने चले, दुकानें चले, फुटपाथ पर काम करने वाले भाई बहन भी अपना सामान बेचे, अपनी जिंदगी चलाए। और इसलिए भाई बहनों से अपील, सभी धर्म गुरुओं से अपील करता हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, बोहरा, वो भी अपील करें, सारे राजनीतिक दलों से अपील करता हूं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सब इकट्ठे हो जाओ इस मामले में। चुनाव के टाइम लड़ते रहेंगे, अभी सब इकट्ठे, क्योंकि लोगों को बचाना है। व्यापारी भाइयों से अपील करता हूं, व्यापारी संगठनों से, आपका भी प्रभाव है, आप उसका उपयोग करके आप खुद दुकान पर मास्क लगा के बैठे, और कोई बिना मास्क का आए तो टोक के उसको मास्क लगवाएं, सैनिटाइजर रखें दुकान पर। जितने भी सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन, लियो क्लब, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, कोई भी संगठन हो, इकट्ठे हो जाओ सब कोरोना के खिलाफ, लड़के से हराना है। और उपाय 3, मेरी सुरक्षा, मेरा मास्क, सबसे प्रभावी उपाय। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग, खूब काम धंधे करें, मैं नहीं चाहता बिल्कुल बंद हो, लेकिन दूरी बनाए रखें। और तीसरे, हाथ सैनिटाइजर से या साबुन से साफ करते रहें। और चौथी बात, मेले, त्योहार, भीड़ भाड़, ये जब तक कोरोना बढ़ रहा है नहीं होंगे। मेरी होली मेरे घर, अपने घर को होली मना लेंगे, पानी वाली होली, रंग गुलाल एक दूसरे को लगाने वाली होली, इससे बचना पड़ेगा मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए मैं आज सड़क पर उतरा हूं अपील करने, मैं रोज लोगों को मास्क लगा रहा हूं। अब जब मुख्यमंत्री सड़क पर उतर के रोज मास्क लगा रहा है, तो क्या आपकी ड्यूटी नहीं है? क्या आप भी मास्क लगाएं और लोगों को मास्क लगवाएं? एक बार अपील, जो जो समर्थ है वो गरीबों को और कुछ ना दें, मास्क भेंट कर दो मेरे को। आप मास्क भेंट करोगे तो उसको मास्क मिल जाएंगे, मास्क के पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, मास्क सरकार भी उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगी। मैंने सारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को कहा कि युद्ध स्तर पर मास्क बनाएं। और कई बार मास्क की जगह आप अपने
अंगोछे का भी गमछे का भी उपयोग कर सकते, नाक और मुंह पूरे कवर होना चाहिए। मुझे विश्वास है मेरे बदते संभल जाएंगे ताकि कोरोना को हम कंट्रोल कर सकें, हमारे काम धंधे चले, बिजनेस व्यापार चले, रोजी रोटी चले और हम कोरोना से बचते भी रहें। इसलिए आपके बीच आज सड़क पर खड़े रह के मैंने भी संकल्प किया है कि मैं तो लगाऊंगा ही, आपको भी मास्क लगवाऊंगा। दुकानदार गोले बनाए अपनी दुकानों के साथ ताकि एक से ज्यादा ग्राहक आए तो अपनी बारी का इंतजार करें। आज मैं भी गोले बनाने निकलूंगा क्योंकि हम सबको ही करना पड़ेगा और मुझे विश्वास है पूरे समर्पण के भाव से हम निकलेंगे। तो पहले भी कोरोना को हराया है, अब भी कोरोना को हराएंगे, कोरोना हारेगा और मानवता जीतेगी, यही आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।